हम लोग आज जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर यहाँ युवा शक्ति साथियों संगठन के साथियों से हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग इन सवालों को लेकर, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगस्त महीने में देखा जाए तो लगातार इस देश में जो संविदा की जो नियुक्तियां थी उसके नाम पर जो है जो आंदोलन हुआ, 5 तारीख को 5 बजे लोगों ने थाली पीटी, उसी तरह से जिस तरह से कोरोना काल में उसी तरह बेरोजगार नौजवानों ने खासतौर पर इलाहाबाद और पटना में, और इसके बाद 9 तारीख को 9 बजे रात में लोगों ने मोमबत्ती भी जलाई जिस तरह से एक बार मोदी जी ने जलवाया था, और 17 अगस्त को मोदी जी के जन्म दिवस को जुमला दिवस जिसको मनाया जाता था उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। तो आज बेरोजगारी के इन सवालों को लेकर हम लोग साथियों से बातचीत करेंगे कि कैसे हम लोग इन सवालों को लेकर हम लोग कैसे सोचते हैं और ये सवाल हम लोग कैसे हम लोग इस पे लड़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो साथी गौरव हैं, सरफराज भाई हैं, आप सभी का यहाँ पर, अहमद भाई हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और इस पे हम लोग बातचीत करने शुरू करते हैं कि क्या बेरोजगारी का सवाल इस दौर का सवाल है, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे में क्यों नहीं है। तो मैं गौरव भाई से ये सवाल शुरू करते हैं कि क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे में क्यों नहीं है, क्या इस पर क्या वो सोचते हैं। गौरव भाई, आप क्या, आपके आपका म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है राजीव भाई? हेलो जी, आवाज आ रही है, आवाज आ जी रही है। जी आपको पहले सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप सफर में हैं तो भी आपने इस कार्यक्रम को आयोजन में आपने अपनी भूमिका दी, और बॉबी भैया को धन्यवाद। आपने अभी जो सवाल, आवाज आ रही है ना आपको प्रॉपरली? जी, हाँ आ रही हेलो है आवाज, आवाज आ रही है आपकी। जो सवाल आपने पूछा कि राष्ट्रीय राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है, तो राजीव भाई हम ये कहना चाहेंगे, आजादी के लगभग 74 वर्ष के बाद भी बेरोजगारी का मुद्दा एक सवाल ही देश में बना हुआ है, और ये सवाल हर राजनीतिक में, चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स हो, चाहे केंद्र की राजनीति, हर जगह सिर्फ एक कहीं कहीं चुनाव के दौरान ये उठने वाला एक मुद्दा होता है, और इसकी गंभीरता एक, क्योंकि इधर कोरोना के बाद से जिस तरह का एक माहौल बना है, जैसे आपने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जिस तरह का थाली पीटने का, उन्हीं के तरीके से एक विरोध करने की जो तरीके को प्रारंभ किया गया नौजवानों द्वारा, तो ये 2019 से हम ये कह सकते हैं कि उसके पहले हम बेरोजगारी को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में, छोड़िए स्टेट पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, सिर्फ एक मुद्दा था माहौल बनाने का। लेकिन उसके बाद जब आम जन, आम यूथ, नौजवान ने जब अपनी भागीदारी दी, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद से जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा देश में बनता हुआ दिख रहा है। अब किसान आंदोलन हम सबके सामने है, किसानों का भी एक पहले यही थी चीजें थी कि किसान कभी भी एकजुट नहीं हो पाता था, क्योंकि चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है और जिस तरीके के हमारे यहाँ जाति है, चाहे धर्म है, उस तरीके की कहीं ना कहीं, आप उत्तर प्रदेश को ले लेंगे तो वेस्ट यूपी का देखिए किसान किस तरह से एकजुट है, पूर्वांचल में कहीं ना कहीं वैसी स्थिति नहीं बन पाती है। लेकिन इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं किसानों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, एक कॉमन इश्यू अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। उसी तरह से एक नौजवानों को भी एक माहौल जो है, नौजवानों के लिए भी जो इश्यू है उनका बेरोजगारी, वो मुद्दा धीरे धीरे एक राष्ट्रीय राजनीति पे आ रहा है, क्योंकि उस तरीके से जिस तरह के किसान आंदोलन हुआ है, जब तक उस तरीके से ये आंदोलन खड़ा नहीं होगा तो रोजगार का सवाल, हमें लगता है जिस तरह का सवाल 74 सालों में है, आज भी ये सवाल ही बना रहेगा। और सवाल रहा रोजगार का, तो आप देखिए अभी आपने चर्चा की पटना में हुआ, प्रयागराज में हुआ, जो आंदोलन आए दिन हो रहे हैं। अच्छा, जो सरकारी भर्तियां हैं, आपको पता पूरे देश में 28 लाख सरकारी पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हैं, 24 लाख तो लोकसभा में डिक्लेयर किया गया था, सरकार की तरफ से बताया गया था, वो उसको स्टेटमेंट को 3 साल हो गए हैं, तो ये मूवन माना जा रहा है 28 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अभी हाल ही में योगी जी ने अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिलवाया था कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 3,75,000 सरकारी नौकरियां दी हैं,
उन नौकरियों के कितने बड़े दावे किस तरह के झूठ का पर्दाफाश करते हैं उसका एक उदाहरण हम देंगे। 2018 दिसंबर में इन्होंने 49,568 सिपाही भर्ती, जिसमें कि पीएसी और नागरिक पुलिस की एक भर्ती इन्होंने निकाली। उन भर्तियों की जो परीक्षा हुई है वो 2019 में हुई है, 2020 आते आते फिर लॉकडाउन लग गया, सारी चीजें हो गई। 2021 तक हालत ये है कि उन नौजवानों को जो 49,568 नौजवान उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उसका कारण है कि न ही उनका मेडिकल अभी तक हुआ है न उनकी ट्रेनिंग हुई है। मात्र 14,000 युवाओं की अभी तक सिर्फ ट्रेनिंग हो पाई है। कई बार 3-4 महीनों में युवाओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया करके लखनऊ में, पुलिस अपने लाठियों के दम पे उनको भगा देती है, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अखबारों में उसको नियुक्ति को जोड़ के दिखा दिया कि 3,75,000। इसी तरह के इनके रोजगार के झूठे दावे अखबारों में दिए जा रहे हैं। समस्या यह है कि चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो यहाँ का, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड हो, चाहे शिक्षक भर्ती बोर्ड हो, हर जगह यही हो रहा है, भर्तियों को लटकाओ भटकाओ, अगर नौजवान अपना अधिकार मांगे तो उनको लाठी से मारकर भगाओ। ये स्थिति पूरे देश में है। यूपी और भाजपा केंद्रित जो स्टेट है वहां पर इस तरह की आक्रामकता, इस तरह की चीजें, तानाशाही बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, रोजगार के सवाल पे ये कहते हैं इन्होंने स्किल इंडिया की, स्किल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी 2016 से 2020 तक के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय योजना है इनकी, इनकी और 2-3 यूथ योजनाएं हैं जिसका अभी सरकार जो रिकॉर्ड आया है उसमें इन्होंने पिछले 2 वर्षों में 100 करोड़ का भी फंड खर्च नहीं किया है। तो देश में न स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है, न स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब सिर्फ अडानी और अंबानी देश में हो गए, सारी चीजें उन्हीं को टेक ओवर कराई जा रही हैं। अच्छा, नौजवानों का अधिकार कहाँ पे है? अच्छा, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आत्मनिर्भरता में यूथ के लिए आपने छोड़ा क्या है? आपको यूथ को तो मार्केट तो देना पड़ेगा ना, आप मार्केट दे रहे हो, उन्होंने स्पेस दे रहे हो, सारी चीजों को आप पूंजीपतियों को बेच दे रहे हो, तो आत्मनिर्भरता किस चीज में लाएगा? या तो पकौड़े बेचने में ही पूरा देश लग जाए। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, लॉकडाउन के पहले में जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, कि आप अगर खुद एनालिसिस करेंगे कि लॉकडाउन के पहले अगर किसी आस पास के हम चौराहों पे जगह वहां रहते हैं अगर देखेंगे तो वहां जितने ठेले थे, अब आज आप कंपेयर करिए तो वहां पे ठेलों की संख्या दुगनी तुगनी हो गई है। तो ये ठेले जो नए पैदा हुए हैं ये उसी तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करते थे, कहीं कहीं नौकरी करते थे, कहीं रोजगार करते थे, जिनका रोजगार खत्म हो गया, चौपट हो गया, नौकरी चली गई, तो उन्होंने क्या किया, आखिरी उनके पास ऑप्शन बचा कि ठेले लगाने का। तो ये पूरे देश को ठेले लगाने की नीति पे माननीय प्रधानमंत्री जी ढकेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मैं आपको रोकते हुए थोड़ा बात करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ के, कि जैसे कि आपने जो ठेले की बात कही या फिर बिहार बिहार के चुनाव में रोजगार एक एजेंडा बना, तो सरफराज भाई से मेरा सवाल है कि आखिर में जब रोजगार एजेंडा बनता है तो आखिर में उसके आधार पे सबसे बड़ा यूथ वोटर जिसके ऊपर लोग टारगेट करते हैं, बीजेपी को भी कहा जाता है यूथ 100 बूथ, पता नहीं क्या क्या, हर 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 जो है पार्टी लगभग लगभग इसी तरह के नारे लगातार उछाल रही है, लेकिन वो वोटिंग पैटर्न में क्यों नहीं दिखता है? और आखिर में वो वोट अगर सिर्फ हम ईवीएम कह करके उसको टाल सकते हैं कि सचमुच यूथ में रोजगार उस तरह से एजेंडा वोटिंग में नहीं बनता है? सरफराज भाई, सरफराज भाई सर अनम्यूट करिए सरफराज भाई। सरफराज भाई इसको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद जी। तो जी जी सरफराज भाई जी, राजीव भाई जी, धन्यवाद राजीव भाई। जो सवाल आपने पूछा है उसमें 2-3 बातें हैं, लेकिन उन 2-3 बातों का सारा शीर्षक जो है वो केवल एक चीज पर केंद्रित होता है, वो है भटकाना। सीधी सी बात है, मतलब भ्रम फैलाना। और यह काम हमारी जो मौजूदा सरकार है वो 2014 से और 2014 के पहले से, जब वो राजनीति में आने की पूरी प्रणाली बना चुके थे, तब से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो
कह लीजिए टारगेट किया गया वो यूथ को ही किया गया, ठीक है, और उस तरीके का यूथ को किया गया जो केवल भीड़ में चलता है, ठीक है। मतलब हमें और आपको इस तरीके की रणनीति दी जाती है कि एक टारगेट दे दिया गया कि आप बस यही काम आपको करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको एक चीज पे लगा दिया गया, भीड़ के एजेंडे पे, प्रचार के एजेंडे पे, तो आपको वही काम करना है और कोई काम नहीं करना है, सीधी सी बात है। यही बात बिहार में भी हो रही, बिहार में भी हुई। इसमें कहीं ना कहीं दोष ईवीएम का भी है, इस बात को हम नहीं नकार सकते, इस बात को हम नहीं नकार सकते। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि ईवीएम अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आधुनिक आधुनिक तकनीक में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं जहां पर हर चीज, हर तरीके से हर डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, जिसका मोदी जी इतना ज्यादा बखान करते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो उसमें पहला मेरा एक पॉइंट ये है मोदी जी से, अगर हम लोग इस बात को आगे पहुंचाए तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो हमारा पिज्जा होता है वो 30 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन जो हमारी सरकारी भर्तियां होती हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है वो 2-2 साल तक होती है। तो ये हमारा डिजिटल इंडिया है, ये तो नहीं होना चाहिए हमारा डिजिटल इंडिया, अगर हम इतना ही अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो इस तरीके से। तो हम विश्व गुरु क्या, निचले स्तर से भी हम कहीं पीछे जा चुके हैं, सीधी सी बात है। और आप वही कॉरपोरेशन को लेकर के चल रहे हैं, वही टारगेट सेट कर रहे हैं जहां पर आपको फायदा होगा, केवल केवल और केवल आपको फायदा होगा। बाकी किसानों को क्या हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि हमारा टारगेट सेट होना चाहिए बस। जी शुक्रिया सर। फरहाद साथी, जैसे कि आपने कहा कि अभी गौरव भाई ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया और इसके बाद आपने यूथ के पूरे इस एजेंडे पे बात रखा कि उसको भ्रम की स्थितियों में लाया जाता है, तो मैं अहमद भाई से जानना चाहूंगा कि क्या जो हम खास तौर पे तो क्या वो जब जाते हैं तो क्या यूथ उनसे अपने रोजगार के एजेंडे पे बातचीत करते हुए क्या जो जब पॉलिटिकल एजेंडे पे बात करता है तो कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे ऑब्जर्वेशन है या उसको कैसे वो दिखता है और खास तौर पे वो कैसे दिखता है कि अगर वो क्या नहीं चाहता कि रोजगार एजेंडा बने, क्योंकि इसके पहले क्या कहते हैं बिहार चुनाव के पहले कभी इस दौर में देखा जाए तो रोजगार कभी एजेंडा नहीं बना। और क्या इस दौर में जो किसान आंदोलन है क्या भविष्य में ये पॉलिटिकल चुनाव का एजेंडा बनेगा, जैसे अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या रोजगार नौजवान किसान मजदूर एजेंडा बनेगा? अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। जैसे आपने पूछा कि क्या बंगाल में ये एजेंडा बनेगा, तो एजेंडा बनेगा नहीं, बन चुका है राजीव भाई, और वहां पे भी घोषणाएं हो रही हैं बराबर से कि इतना रोजगार दिया जाएगा, उतना रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले जो हमें सोचने का वो है कि मैं तो एक चीज और एनालिसिस कर रहा हूँ कि युवाओं का भी अब माइंड सेट एक ये हो चुका है, थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन उसको सोचना पड़ेगा, उसको मोल्ड कैसे करना। युवाओं के पास जब हम जाते हैं तो युवा सोचते तो हैं कि हमको रोजगार मिले और सारी चीजें मिले, ठीक है, और उसके लिए वो लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं कि इकट्ठा कैसे हूं, पहली चीज। और दूसरी बात ये आती है राजीव भाई, मैंने देखा है जैसे इलेक्शन आता है तो युवा युवा के मन में एक चीज ये बन गई है कि अब इलेक्शन आ रहा, अब भर्ती आएंगी, उन भर्तियों से क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज की जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और इन सब मुद्दों पे युवाओं से हम लोग बराबर से बात कर रहे हैं, बराबर से टच में हैं, बराबर से समझा रहे हैं और सारी चीजें हो भी रही हैं। बस इतना एक या दो चीजों का माइंडसेट अब हमें बदलना होगा। अभी तक तो जो हम लोग कर रहे थे वो थोड़ा सा आगे पीछे की बातें थी, आगे पीछे की बातें इन द सेंस कि युवाओं से हम रोजगार के लिए बात कर रहे थे, अब उनके इस माइंडसेट को हमें चेंज करना कि एक तरीके से कि अब चुनाव आ गया तो भर्तियां हमारे लिए आएंगी बहुत सारी, लेकिन उन भर्तियों से क्या होगा, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्या होगा, अधर्म लटकेंगी, पैसा लेके वो पी जाएंगे पूरा हमारा या हमें वापस मिलेगा, इन सब का वो भविष्य नहीं सोच रहे हैं। इस चीज पे हमें थोड़ा सा युवाओं के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और युवाओं के साथ इस तरीके से हमें लग के काम करना होगा।
जी राजू भाई। शुक्रिया भाई। सती गौरव भाई, फिर से हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। जैसे आपने एक बड़ा आंकड़ा बताया रोजगार का और विकराल स्थिति बताई कि क्या यूथ की है, क्या जो यूथ तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, क्या इन आंकड़ों से वो नहीं रूबरू है? तमाम आंकड़े देश भर के, दुनिया भर का सामान्य ज्ञान वो पढ़ता लिखता रहता है, दुनिया भर का इतिहास ज्योग्राफी वो जानता है, तो क्या वो इन आंकड़ों से, जो आप जैसे किसी संगठन का वो मोहताज है क्या कि वो आएंगे आंकड़े बताएंगे तभी वो लड़ेगा? क्यों आखिर में वो इतना और आप जैसे संगठन जो बताते भी हैं तो भी उसको क्यों उसकी इतना निराशा हताशा में रहता है? अगर देखा जाए तो बिहार के चुनाव में अभी जैसे उन्होंने कह भी रहे थे कि लोग बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, जैसे कि बिहार में भी कंपटीशन हो गया था कि तेजस्वी ने बोला कि हम रोजगार देंगे, फिर रोजगार का उन्होंने जो मॉडल पेश किया, जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस भर्ती और तमाम इस तरह की जो चीजें छोटी मोटी, जैसे मान तौर पर पूर्वांचल के लोग हैं तो हम लोग क्या कुछ जानता ही नहीं कि GRF और नेट भी कुछ होता है? तो मतलब कि उसका फिर पुष्पम प्रिया ने सबसे पहले बिहार में शुरू किया था रोजगार का एजेंडा जो है, उसके बाद फिर पता लगा कि बीजेपी भी इधर उधर करते हुए नीतीश भी कहने लगे हम रोजगार देंगे, पप्पू यादव भी कहने लगे कि हम रोजगार देंगे, मतलब कि लेकिन क्या जो जो आंकड़ा सबसे पहले जो आंकड़ा आपने पेश किया उसको क्या यूथ जानता नहीं, और क्यों उसकी इतनी निराशा है? देखिए राजीव भाई, आंकड़ा जो हमने पेश किया ऐसा नहीं कि जो यूथ आज पढ़ लिख रहा है, जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहा है, जो अपनी अलग अलग डिग्रियां ले रहा है, ऐसा नहीं कि वो किसी आंकड़े से अवगत नहीं है या बेरोजगारी की समस्या से अवगत नहीं है। आज देश में हर एक घंटे में एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है, ये NCERB के आंकड़े कहते हैं। 2018 के NCERB का आंकड़ा कहता है कि 12,936 युवाओं ने खाली बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है, और उस साल किसानों से ज्यादा आत्महत्या युवाओं की है, ये आंकड़ा कहता है 2018 का। सवाल ये हो रहा है कि युवाओं की, जैसे हम लोग जो कैंपेन करते हैं चीजों को लेकर के, अच्छा यूथ में जिस तरह के, जब किसानों, जो किसान का एजेंडा जिस तरीके से सिर्फ एक मुद्दा था, आज इस आंदोलन की तरह खड़ा हुआ। अच्छा यूथ में एक ये है कि होगा क्या इससे हमारे लिए, कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लग जाए। दिक्कत ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज हमको अगर सरकारी अस्पताल में इलाज चाहना है तो सबसे पहले इलाज करना है, सबसे पहले हम क्या इंतजाम ढूंढते हैं, हम डॉक्टर और वहाँ इलाज मिल जाए ना, पहले ढूंढते हैं जुगाड़ मिल जाए कहीं। थाने में अगर हमारे साथ कोई समस्या हो जाए तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, कहीं से हमारी जान पहचान हो जाए, हमारा काम हो जाए। ये जो जुगाड़ ढूंढने की पहली मानसिकता आती है इस व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है वो व्यवस्था पे नहीं है, उस जुगाड़ पे, तभी हमारा काम होगा कि हमें सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज मिल जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा। तो यूपी जैसे प्रदेश में हालत ये है कि यहाँ नौकरी मेहनत के दम से पाने की जो वो है, उसके कंपेयर में आप देखें तो यूथ में ये विश्वास बढ़ गया है कि यहाँ नौकरी वैसे तो मिलने वाली नहीं है, जो जुगाड़ से अपना काम हो सकता है हमारा काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था के प्रति इस तरह की निराशा है, उसमें हम अपनी सहभागिता देख करके, क्योंकि देखिए यूथ एक ऐसी उम्र होती है जिसमें अगर हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रूप से अगर हम लोग सक्रिय हैं तो इन चीजों को उठा रहे हैं, लेकिन यूथ में फोकस भी ये देखा जा रहा है, ज्यादातर नौजवान चाहता है अपना एक करियर हो जाए उसका शांतिपूर्ण। हम लोग कई आंदोलन किए, जब जाते हैं कोचिंग्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो नौजवान सुनते तो हैं, आपकी बात का समर्थन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो यूथ की दिक्कत ये हो जा रही है कि वो हर इशू में इवेंट ढूंढता है, तो जब तक वो इवेंट बेस्ड चीजें ना हो तो वो इशू की गंभीरता कहीं ना कहीं, या चाहे वो उनके खुद के रोजगार के सवाल पे हो। लेकिन ये आपने सही कहा कि बिहार के चुनाव से एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, हालांकि तेजस्वी यादव जी का जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो उनका, उससे हम लोग सहमत नहीं है कि किस आधार पे आप बिहार जैसे बीमारी राज्यों में इस तरह की नौकरी दोगे, आपका बजट क्या है, आपकी देने की क्षमता क्या है, लेकिन एक चीज ये हुई उनके मुद्दे को उठाने से कि कहीं ना कहीं रोजगार एक बहस का मुद्दा बना, रोजगार एक केंद्र में आया ये मुद्दा। अच्छा केंद्र में आया तो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं इधर जो साल भर से जो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं यूथ में एक अवेयरनेस आ रही है, एक स्टैंड कर रहा है वो, कि कहीं ना कहीं ये गंभीरता है कि रोजगार जो है अब एक सवाल, बड़ा सवाल है। और जहां तक मुझे लगता है किसान आंदोलन के साथ साथ 2024 तक भारत में एक बड़ा व्यापक यूथ मूवमेंट खड़ा होगा और रोजगार के सवाल पे खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह की आसपास परिस्थितियां देश में बन रही है धीरे धीरे, तो वो चीजें धीरे धीरे एक युवाओं में भी उस चीजों को लेकर का उदाहरणा बन रही कि हमें एक संगठित होकर के एक लड़ाई खड़ी करनी पड़ेगी। शुक्रिया गौरव भाई।
सत्यों, जैसे अभी आप बात कर रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ा यूथ में, जैसे मैं भी अभी सुन रहा था कि अभी आजमगढ़ आया था तो अभी संभागीय अधिकारियों की भर्ती का मामला आया, जी तो मेरा अहमद भाई से सवाल होगा कि क्या जैसे कि अब लोअर पीसीएस तक में जो है आ रहा है कि 18 लाख 20 लाख रुपया दे करके भर्ती हो जाने का, तो क्या माने कि रोजगार का पाने का जो संकट है उसमें, जब इतने पुलिस भर्ती तो मैं सुनता था अब लोअर पीसीएस तक में ये खुलेआम रेट चलने लगा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि इतने बड़े आंदोलन, किसान आंदोलन की तरह यूथ निकलेगा, या फिर वो क्योंकि तो उसको इस बात का भी खतरा होता है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा मुकदमा ना हो जाए, जी उसके ऊपर कुछ ना हो जाए, तो अहमद भाई इस पर क्या सोचते हैं आप? जी राजीव भाई, जो ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है ये मैं देख भी रहा हूँ कि एक तरीके से जो पैसे दे के नौकरी पाना और इस तरीके से जो भी गौरव भाई अभी बात कर रहे थे पीछे की जुगाड़, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा और यूथ को समझाना पड़ेगा। यूथ को समझाना इन द सेंस कि जुगाड़ व्यवस्था चलती तो है, लेकिन अब ये कह दे कि 100% इंसान उस जुगाड़ व्यवस्था में सहभागिता अपनी पूरी पूरी निभा पाए, उससे कहीं ना कहीं जो है चीजें हम लोगों के लिए भी घातक हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक हैं ये चीजें। तो इस व्यवस्था से चीजें चलेंगी तो, लेकिन ये व्यवस्था अगर देखी जाए जमीनी तौर पे तो ये लॉन्ग टर्म व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इसको भी अपने ये अपने आप ही खत्म हो सकती है या यूथ में कैंपेन करके खत्म किया जा सकता है। और जैसे अभी आपने बोला राजीव भाई, आपने भी एक सवाल किया था कि क्या युवाओं में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो आंकड़े देख लें या कर लें, तो जागरूकता की बात मैं करूं, अभी उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी और हम लोग मना रहे थे और उस दिन हमने कई अपने साथियों को फोन किया जो कि लोअर पीसीएस और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से दो ऐसे बोले, अच्छा आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा यार तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो फिर किस तरीके से? बोले वो हमको पता है, वो हम थोड़ा सा जुगाड़ पा जाएंगे आरक्षण का, उसके थ्रू हम सारी चीजें कर लेंगे। तो मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं जो जुगाड़ व्यवस्था है इससे हमें लड़ना होगा, इसको हमें अपने साथियों को समझाना होगा पूरी तरीके से। ये बात है राजीव भाई। शुक्रिया अहमद भाई। सरफराज भाई, मैं आपसे इस बात का आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे कि जैसे कि इस दौर में जो किसान आंदोलन चल रहा है और ये संभावना दर्ज की जा रही है पूरे देश में कि आने वाले दौर में ये इस तरह से दो तीन आंदोलन हुए, पहले एक दलित ST/ST एक्ट को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ दोपहर 2018 को, बाद में 2019 में नागरिकता को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, तीसरा जिस आंदोलन को कहा जा रहा है सिखों का आंदोलन, तो क्या इसकी एक संभावना दर्ज की जा रही है आने वाले दौरों में तमाम ये जो वंचित समाज हैं और तमाम जो लोग शोषित हैं उत्पीड़ित हैं एक साथ हो करके, जैसे किसान के बाद अब मजदूर और नौजवान आंदोलन की सब लोग आशाएं संभावनाएं देख रहे हैं, तो सरफराज भाई आप क्या देख रहे हैं इसमें जो है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें सही बात आपने कही है कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का जो जन मोर्चा था वो इस समय आंदोलन का एक रूप ले चुका है और बहुत ही उग्र है इस समय, जो कि 26 जनवरी को हमने देखा भी कि वो हर तरीके से उन्होंने पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं हटे, हम डटे रहे, हर तरीके से डटे रहे। उसमें बहुत से लोगों का जो सार्वजनिक रूप मतलब जो सामाजिक रूप से कार्यरत हैं या फिर और लोग भी, बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाना होगा। इसमें हमें और आपके यूथ को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ये सोचना कि किसानों का मुद्दा है या किसान इस अपने लिए बैठे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है कि अगर हमारे सामने खाना रखा हुआ है, खाना परोसा गया है हमारे लिए, ठीक है, तो वो हमारे और आपका सवाल है। तीनों कानूनों से लगभग 80% आबादी जो कि क्या बोलते हैं आपकी राशन पे जीवित है, राशन का राशन मिलता है उसको तब वो जीवित रहती है, कुपोषित बहुत से बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, परिवार हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, सीधी सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके सबके लिए है ये।
और वो सिर्फ केवल ये सोचें कि सिर्फ वो केवल अपने लिए बैठे हैं, नहीं, इसमें हमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा और युवाओं को एक युवाओं का भी एक जनबल अपने रोजगार के प्रति भी शामिल होना पड़ेगा, जैसे 2018 में एसएससी स्कैम को लेकर के बैठे थे बच्चे। तो अब जो ये इस वक्त मोदी रोजगार दो ट्रेंड चला हुआ है, चलाया गया है, ये बहुत ही जरूरी था और इसकी शुरुआत भी बहुत सही समय पे हुई है। एसएससी का सीजीएल का 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट में इस तरीके की धांधली हुई है। आप खुद देखिए, पहले पेपर एक दिन में होता था, ठीक है, एसएससी सीजीएल का कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एक दिन का पेपर होता था, मतलब मॉर्निंग एक सेशन होता था और इवनिंग में एक सेशन होता था, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते थे। आज की स्थिति ये हो गई है कि तीन दिनों में पेपर हुआ, 15, 18 और शायद 19, 3 तारीख में, 3 दिनों में पेपर हुआ और उसके बाद कट ऑफ जो आ रहा है उसमें सभी बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत से जो गलत प्रश्न होते हैं उन पर भी आपत्ति करते हैं, जैसे कि हर क्वेश्चन के लिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें भी वो 100 रुपए स्क्रूटनी फॉर्म डाला जाता है, मतलब चैलेंज किया जाता है बेसिकली। तो अगर इस तरीके से हम आंकड़ा एक आदर्शित करें कि हाँ इतने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोगों ने उस गलत क्वेश्चन के लिए क्या बोलते हैं क्लेम किया है, ठीक है, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अगर एसएससी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एसएससी बहुत अच्छे से सारे एग्जाम की प्रक्रिया को क्रियान्वयन में लिए हुए है, तो 2019 एनटीपीसी का आरआरबी का एग्जाम था वो अभी हुआ है फरवरी में, तो इस तरीके की जब हमारी प्रणाली रहेगी, ठीक है, तो हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बात आपकी थी कि किसानों को लेकर के, तो इसमें हमें और आपको भी शामिल होना पड़ेगा और युवाओं को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आपके पेट का सवाल है, ये हमारी आपकी रोजी का सवाल है। जी राजीव जी, शुक्रिया सरफराज भाई। मैं इसी पे गौरव भाई पे आना चाहते हैं कि जो मौजूदा दौर में जो जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जैसे वो हर तरह का रिस्क भी ले रहा है, मुकदमे का ले रहा है, यूएपीए का ले रहा है, अगर उसको कोई खालिस्तान बोल रहा है, कोई आतंकवादी बोल रहा है वो भी रिस्क ले रहा है, नक्सलवादी बोल रहा है रिस्क ले रहा है, और इस रिस्क के साथ कि वो जानता है कि इस मुल्क को बचाना है तो इस रिस्क को लेना पड़ेगा, इस बात को जानते हुए क्या जो कैरेक्टरिस्टिक जो युवा है वो मुकदमों का और इस तरह के आरोपों का क्या रिस्क ले सकता है, उनको क्या लगता है? ऐसे बातों में कभी कई बार आता है, युवा कहता है कि नहीं जाएंगे आंदोलन तो मुकदमा हो जाएगा, आपको क्या करना, आपको तो नेतागिरी करना है, तो ऐसे में ये सवालों को अगर किसी मजबूत बड़े आंदोलन की तरफ अगर सोच रहे हैं आप, तो उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे इन सवालों को आप उनसे लड़ेंगे? देखिए, आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि जो नौजवान कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की या नौकरी चाहता है, अपना करियर सामान बना करके अपना वो जीवन जीना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आंदोलनों की रूपरेखा में जब उसको बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत फिट भूमिका में नहीं पाता है, उसे कहीं ना कहीं ये भय होता है कि कहीं हम लाठी ना खा जाए, कहीं मुकदमे ना हम पर आ जाए, इस तरह से इससे हमारा करियर खराब हो जाए। हम आपको अवगत कराएं कि आवाज आ रही है आपको राजीव भाई? जी हाँ, अभी शिक्षक भर्ती 69,000, मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी हुई है शिक्षक भर्ती 69,000 यूपी में, उसमें कुछ छात्र ऐसे रह गए, लगभग पूरे स्टेट में यूपी में 700-750 ऐसे बच्चे रह गए जिनका आवेदन जब उसका हुआ था, भर्तियों के लिए आवेदन हुआ था, तो उसमें आवेदन में उन्होंने कुछ गलतियां त्रुटियां कर दी थी, मतलब उसमें भरांग, लेकिन उनके जो एक्चुअल नंबर थे उसके हिसाब से वो चयनित हो गए थे, लेकिन उनको फॉर्म आवेदन भरने की प्रक्रिया में उनसे कुछ गलतियां हो गई थी जिसको वो सुधार करके वो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 37 दिन तक वो निषादगंज शिक्षा निदेशालय उसके पीछे ग्राउंड है धरने पर बैठे, हम लोग भी गए, हम लोग को सूचना मिली, हम लोग गए उस धरने में शामिल, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि वहाँ योगी की फोटो लगा करके पूजा की जा रही है। वहां डायरेक्टली हमसे ये कहा गया कि भाई आप कोई भी चीज आग्रह है आप आए समर्थन किए जो मदद हम लोग की कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी की हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो कोशिश करिए, लेकिन विरोध में नहीं बोलिएगा। तो उनमें ये कहीं ना कहीं ये डर देखने को मिला कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां अगर हम थोड़ा भी विरोध करते हैं तो जो थोड़ा बहुत मिलना भी है तो हमारी जो चीजों को वो ना मिले, उनको घर लौटना पड़ा, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयार जो नौजवान तैयारी कर रहा है उसके लिए करियर एक प्राथमिकता होती है,
क्योंकि हम लोग अगर इस अब तो इस क्षेत्र में है तो हम लोग ये चीज की मान के चलते हैं कि इन चीजों का सामना हमको करना पड़ेगा, लेकिन नौजवानों में कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है और होना भी चाहिए, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपने लिए करियर की तलाश में है, सामान्य जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए वो उसकी प्राथमिक उसकी आवश्यकता है। तो हाँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से भाई किसान आंदोलन जिस तरह से संगठित हुआ, उन्हें किसानों के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, ये कोई किसान से अलग नहीं है। लेकिन ये जो आपने बताया प्रश्न आपने पूछा, ये बहुत कॉमन होता है कि जब हम लोग इस तरह की चीजों को करते हैं तो जो बच्चे जिनके लिए ऐसे तो देखिए जो पॉलिटिकल है या सोशल एक्टिव सामाजिक लोग हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जिनके लिए होता है वो नहीं आता, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आप किसी मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे वो आ जाता है भूमिका देने, किसी महिला की लड़ाई वो आ जाएगी, लेकिन नौजवानों में एक ये कहीं ना कहीं से एक भय होता है करियर के प्रति इन चीजों को लेकर के। लेकिन जिस तरह का जब एक आंदोलन खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को नजरअंदाज करके जो भीड़ होती है, बड़े व्यापक जब आंदोलन खड़ा होता है तो हमें लगता है जिस तरह का हमने किसान आंदोलन देखा, इन चीजों को नजरअंदाज करके नौजवान बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करेगा आने वाले समय में, जो माहौल बनता दिख रहा है। जी गौरव भाई, सवाल इस बात का भी एक बनता है जिससे कि जो खास तौर पर एक बात भी रखी गई है कि बहुत सारे लोगों घर भी कर दिए, कई हमारे साथी कई पेपरों में लिखते हैं तो वो बताते हैं कि उनसे लोग पूछते हैं कि आप इस तरह से अखबारों में कैसे लिख सकते हैं, आप तो सरकारी नौकर हैं। संदीप जी जैसे IIT में पढ़ाते थे तो ये जो अपने चीजों को पढ़ाते थे इनको, ये जब पॉलिटिकल चीजों को पढ़ाते थे इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों के तहत इनको निकाला भी गया। तो बेसिकली क्या है कि एक तो ये खतरा होता है, लेकिन ये अगर अगर क्या संभावना ऐसे बनती है कि क्या नौजवान टेक्टिकली इसे कि अगर मान लीजिए कि जो पंजाब में जो नौजवान वहां पर किसानों के लिए लड़ रहा है, एक लिहाज से उसका किसानी उसका रोजगार भी है, जो है उसे जीने का अधिकार भी है, तो क्या क्या वो चीज जो किसानी में जो है जो यूथ का टेम्परामेंट वहां दिख रहा है तो वो क्या ये जो उत्तर प्रदेश या बिहार जो सबसे बड़ा रेंज है और बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या अहमद भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या वो कैसे देखते हैं कि क्या वो इधर भी क्या संभावना है कि अब तो ठंडी भी नहीं पड़ रही है तो क्या संभावना है कि लोग उतरना शुरू कर दिए या शुरू करने वाले हैं? अहमद भाई जी। राजीव भाई, मेरे हिसाब से तो जैसा मैं देख रहा हूँ, मेरी बातचीत हो रही है बराबर से, और बिहार में तो लोग उतरना शुरू कर दिए हैं और बंगाल में भी लोग इस चीज के लिए उतरना शुरू कर दिए हैं, और मैं सपोर्ट भी दे रहा हूँ पूरा का पूरा उन लोगों को। और अभी मेरी कल ही बात हुई थी बंगाल के लोगों से, तो वहाँ पे अभी ये लोग कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिए हैं इस समय यूथ में अवेयरनेस के लिए कि ये चुनाव है। अगर इस समय अगर हम लोगों नहीं जगे या इस समय हम लोगों ने पार्टियों को जो है चेताया नहीं तो हम लोग फिर 5 साल के लिए फिर अधर में चले जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने रिपीट किया था, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि युवाओं की एक मानसिकता बन चुकी है कि अब चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी। इस भ्रम को युवाओं के मन से हमें दूर करना होगा। और इसी चीज के रिगार्डिंग बंगाल से मेरी बात चल रही है 3-4 लोगों से, और वहां पे तो उतर ही चुके हैं। बिहार में तो खैर लंबा चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है वहां पे ये चीज है। राजीव भाई, सरफराज भाई, मैंने कि अभी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर जहां पर बहुत सारा दमन है, और अभी कल मैंने कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा एक्ट है उसमें बहुत और सख्त बना दिया गया है, अब उसमें 14 दिन की जगह 60 दिनों की हिरासत है और गुंडा एक्ट लगाकर भी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, और उसमें कहा जा रहा है कि उसकी जमानत इस तरह से बहुत मुश्किल बनाई जा रही है, और जिस तरह से पिछले दिनों किसान नेताओं पर 50-50 लाख के नोटिस भेजे गए, गुंडा एक्ट लगाया गया, तो आने वाले दिनों में इससे हम लोग आंख नहीं चुरा सकते कि आने वाले दिनों में अगर नौजवान अगर रोजगार के लिए आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगेगा। तो क्या क्या वो इस तरह की गंभीर धाराएं जो इस गवर्नमेंट द्वारा जो थोपी जा सकती हैं, क्या इस खतरे को वो मोल लेगा, क्या वो आंदोलन के लिए उतरेगा? जो पिछले दिनों जैसे कि अगस्त महीने में ही जो पूरा लाया गया जो UPSF
उसमें कहा गया कि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, और उसमें ये भी कहा गया कि ये बिना यूपीएसएसएफ बिना किसी के घर में बिना पूछे घुस जाएगा, और इसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। और वो ठीक आंदोलन के दौरान लाया गया था यूपीएसएसएफ, ठीक इसी तरह से जिस तरह से एक दौर में इंदिरा गांधी के दौर में आंदोलनों को कुचलने जब आंदोलन हुए और देश में संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ जेपी के उभार के साथ एक सरकार बनी मोरारजी भाई कि उसके बाद एनएसए लाया गया, तो ठीक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूपीएसएसएफ लाया जा रहा है या गुंडा एक्ट लाया जा रहा है, तो क्या इस खतरे को सरफराज भाई मोल लेगा युवा? जी बहुत सही बात है, क्योंकि इस समय युवा तो अपने रोजगार के लिए लगा हुआ है, ठीक है, और इस विषय में वो इन चीज़ों के प्रति आएगा या नहीं आएगा और उनका परिवार उसमें इसमें उनका सहायक बनेगा या नहीं बनेगा, ये बड़ा संशय का सवाल है। लेकिन फिर भी हाँ ये है कि हम इसमें हमारे आपका भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, जो हमारे आप हम जैसे लोग और इन युवाओं के मुद्दे और सभी सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं या फिर सभी सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं अपने स्तर से, तो हमें और आपको अवेयरनेस प्रोग्राम कई तरीके से चलाने पड़ेंगे। और सीधी सी बात है कि हमें आपको सभी परिवारों को और क्या बोलते हैं युवाओं को चेताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये आप हमारे आपके रोजी का सवाल है, ठीक है। उसमें बहुत सी बातें होंगी, देखिए शुरुआत तो हमें आपको करनी ही करनी है, सीधी सी बात है। अब अगर उसमें लोग आते हैं नहीं आते हैं ये बड़ा संशय है, लेकिन हाँ शुरुआत तो होना चाहिए। जैसे कि ये किसानी का किसानों का ही मुद्दा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, सोचा नहीं था लोगों ने। जैसे कि एनआरसी एनपी सीए का आंदोलन चला उसमें भी हुआ, एसएससी का स्कैम चला उसमें भी बहुत हुआ, ठीक है। तो हम इस बात को इतना नहीं हम तवज्जो देंगे कि नहीं आएगा, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर हम ये चीज सोचेंगे कि नहीं आएगा, तो जो हमारी आपकी मानसिकता है और हमारे और लोग जो हमें सुन रहे हैं या फिर और जो लोग आने वाले हैं जो इस सोच को लेकर के चलते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है और इन चीजों को तो सामने ही लाना है, सीधी सी बात है कि ये तो दमन की सरकार है, सीधी सी बात है कि आप जहां भी अगर हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ भी करने जाते हैं तो तुरंत हमें टॉलरेट कर दिया जाता है, तुरंत हमें क्या बोलते हैं FIR हमारे नाम पे दर्ज हो जाती है। तो चिन्हित करके आप इस तरीके से लोगों को समझाइए जो सामने आते रहेंगे, और जितना ज्यादा हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, जितना ज्यादा हम लोगों को समझाएंगे, वैसे ही हमारे वही हमें क्या बोलते हैं रिजल्ट देगा। जी राजीव भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारे बीच में संदीप जी भी आ गए हैं, संदीप जी का स्वागत है। संदीप सर, आज एक महत्वपूर्ण मामला आया है कि कहा जा रहा है कि जो गुंडा एक्ट है उसमें उसको और भी मजबूत किया गया है और रिकवरी लॉ को भी फिर से लाया गया है विधानसभा में, और ये कहा जा रहा है कि जो गुंडा एक्ट लगाया जाएगी तो संपत्तियों को जब्त किया जाएगा है। तो कल तक तो जो एक्टिविस्टों के साथ जो कहा जाता था कि भाई जो लोग एक्टिविस्ट थे आप भी ऐसे बातों को सुने होंगे और साथी लोग जो बात कर रहे हैं सभी लोग सुने होंगे कि भाई मत जाओ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एक्टिविज्म में सोशल वर्क में करने में, लेकिन अब घर वाले तो सीए आंदोलन के बाद तो कहने लगे कि भैया कि अब तुम तो जा रहे हो तुम्हारे चक्कर हमारा घर न लूट जाए कुड़की ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से गुंडा एक्ट में नया संशोधन लाकर संपत्ति जब्ती की बात कही जा रही है, तो जो किसान आंदोलन में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा एक्ट लगाया गया, तो कल की डेट में एक तो बड़ा सवाल है कि किसान तो मान लीजिए घर का मुखिया होता है वो कहेगा कि भाई कि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन कल की डेट में रोजगार के लिए युवा लड़ते हुए गुंडा एक्ट को झेलते हुए क्या उसकी संपत्ति की जब कुर्की की या जब्ती की बात आएगी उन सवालों से वो कैसे उसको देखेगा, कैसे लड़ेगा और आने वाले संभावनाओं को कैसे आंदोलन की संभावनाओं को हम लोग देखते हैं। और एक बात के साथ कि एक अनुभव भी अगर आप शेयर करें कि एक किसान एक युवा आंदोलन में आप एक बार बता रहे थे कि आप गए थे वहां पर, जैसे आपने थोड़ा राजनीतिक बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं राजनीति के लिए बात नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि उस अनुभव को भी आप शेयर करेंगे तो इस क्राइसिस से हम लोग थोड़ा कैसे निकलेंगे इसके बारे में बात कर पाएंगे। जी राजीव भाई, ये
आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से सरकार आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है, तमाम हथकंडे अपना रही है ताकि लोग आंदोलन न कर पाए। आप देखिए, कल हम लोगों को डीजल के दाम पे एक प्रदर्शन करना था, जो डीजल के दाम बढ़े हुए, लेकिन बीते हुए कल या परसों में ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पूरे मंडल में धारा 144 लगा दी गई है 5 अप्रैल तक, और वो शासनादेश जो है, आप अगर उसको देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में किसान संगठनों व अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन करने की आशंका है और इसलिए ये लगाया जा रहा है। अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन को रोकने के लिए 144 तक, तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, और अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। जैसे हमने देखा कि सीतापुर जिले में किसान आंदोलन के दौरान ही मैं खुद, हमारे जो दलित साथी हैं मुन्ना लाल जी, उनके गांव में हम लोग, वहां से जुलूस निकालना था महमूदाबाद तहसील तक, फिर कानून की 3 प्रतियां जलानी थी, सुबह ही गांव से सुबह ही 5-6 बजे 4 साथियों को डिटेन किया गया। मैं पहुंचा तो हम लोग को भी डिटेन कर लिया गया, फिर हम सब लोग थाने चले गए और 17 लोगों को, उसमें मेरा नाम तो उन्होंने छोड़ दिया था किसी वजह से, लेकिन 17 लोगों के खिलाफ 50,000 रुपए का मुचलका भरने की नोटिस आई थी। ये तो सबसे कम अमाउंट था, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का जो है नोटिस आया था सीतापुर में, लेकिन जब उसको अरुंधति के माध्यम से चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में अधिवक्ता आईवी सिंह के माध्यम से, तो हाई कोर्ट ने सीतापुर डीएम को आदेश किया कि वो ये नोटिस वापस ले, क्योंकि ये नोटिस गैर कानूनी है। भाई, आप ये नोटिस किसी को कैसे दे सकते हैं कि आप आंदोलन में शामिल ना हो और इसके लिए आप मुचलका भरिए? तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और अगर इस तरह का कोई भी गैर कानूनी आदेश अगर सरकार लाती है, कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की भावना के विपरीत है, तो हम लोगों को उसको तुरंत न्यायालय में इसको चुनौती देनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह का ये माहौल बना रहे हैं, इसमें कोई भी प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई है कि डीजल के जो बढ़े मूल्य हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कैसे करें, क्योंकि हमारे काफी साथी इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर वो प्रदर्शन होगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हम लोगों की कल की बड़ी तैयारी थी, हम लोग घोड़ा गाड़ियों से निकलने वाले थे एक जुलूस लेके, और शहीद स्मारक से गवर्नर साहिबा के घर तक जाने का कार्यक्रम था, उनको ज्ञापन देने की बात थी, तो ये इनकी 144 की नोटिस से वो कार्यक्रम थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन हम लोग पुलिस से अनुमति मांगेंगे, और पुलिस अगर 144 का बहाना करके अनुमति नहीं देगी तो हम उसको न्यायालय में चुनौती देंगे। मुझे लगता है कि इसका तरीका यही है कि इन गैर संवैधानिक आदेशों को न्यायालय में इनको चुनौती देनी पड़ेगी और इनको खारिज करवाना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये जो आप वसूली वाली बात कर रहे हैं, जो CANRC के मुकदमे में भी, जो जिनके खिलाफ मुकदमे हुए उनसे भी वसूली की बात थी, नोटिसें आई थी, कुछ लोगों ने तो बल्कि पैसा भर भी दिया कानपुर में और कई जगहों पे, लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भाई जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो सकता तब तक आप उससे वसूली नहीं कर सकते। अभी तो जो आरोप लगा है वही साबित नहीं है न्यायालय में, तो हमको लगता है कि इसको न्यायालय में ठीक से इन इन आदेशों को चुनौती देनी पड़ेगी, तभी ये जो योगी सरकार का जो एक तरीका बन गया है कि किसी भी चीज पे वो तुरंत लोग रोक लगा देते हैं, ये जो उनका काम करने का तरीका है, तभी ये बदलेगा। ये जो आप स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल का जो गठन हुआ है, जो कानून आया है, इसको लेके मैंने पत्र लिखा था गृह सचिव को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी जाए। इसी तरीके से अन्य चीजों पे भी, चाहे वो लव जिहाद वाला कानून हो या और भी जो गैर संवैधानिक काम योगी सरकार कर रही है, इनको न्यायालय में चुनौती देना बहुत जरूरी है। आप देखिए, दिनकर कपूर वगैरह ने
जो दारापुरी जी, दिनकर कपूर और अखिलेंद्र वगैरह हैं, इन लोगों ने जो मजदूरों के कानून में जो मजदूरी से संबंधित जो नियमों में जो संशोधन किए थे कि 8 की जगह 12 घंटे आप काम करा सकते हैं आदि, उसको जब न्यायालय में चुनौती दी गई तो सरकार ने अपना आदेश वापस लिया। तो इस तरह से एक हम लोगों को जागरूक और सक्रिय नागरिक की भूमिका निभानी पड़ेगी, पहले से ज्यादा हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि सरकार कौन कौन से गैर संवैधानिक काम कर रही है और उसको तुरंत न्यायालय में जाके उसको चुनौती देनी पड़ेगी, तभी इस सरकार पे कुछ अंकुश लगेगा। शुक्रिया संदीप जी। ये पल्लवी जी, हम अभी आपसे बात करते हैं, आपके सवाल को लेते हैं। इससे पहले कि आज जो बातचीत हुई जो है, इस लिहाज से था कि खास तौर पर जो युवा है वो रोजगार के एजेंडे पे आंदोलन करेगा, ये तो ये पिछले दिनों तो ये सिम्टम अगस्त में भी दिखने में आ गया, किसान आंदोलन के बाद भी आ गया लगातार, जो अभी ट्रेंड भी सरफराज भाई बात कर रहे थे कि मोदी रोजगार दो करके जो आया, लेकिन इसमें सबसे जरा जो यहाँ पर स्थितियां हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से रिकवरी की बात करके ला करके इसको चैलेंज कर रही है, ये इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आंदोलन तो होने से कोई नहीं रोक सकता इस समय। भारत आंदोलनों का देश बन गया है और हर साल एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा भारत, एक बार नहीं अब साल भर में दसियों बार भारत बंद हो जा रहा है। तो ऐसे में ये इन संभावनाओं पर आंदोलनकारियों से लेकर आम जनता को देखना पड़ेगा कि इस कैसे डर और भय को तोड़े। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है किसान आंदोलन में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राकेश टिकैत, जिनके ऊपर UAPA लगाने की बात आ रही थी, फिर गिरफ्तारी की बात आई, लेकिन किसान आंदोलन के कई नेताओं पर इस तरह से भी बात कही गई, लेकिन उन लोगों ने मजबूती से उससे लड़ा, मुकाबला किया और सरकार आज बैकफुट है। तो मुझे लगता है कि पल्लवी जी कुछ कहना चाह रही हैं। पल्लवी जी, आप अपनी बात रखिए। रोजगार के लिए जो भी जागरूकता है हम हर कदम पर फैलाएंगे और रोजगार लेकर रहेंगे और इन भ्रष्टाचारी सत्ताओं को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मेरा कहना है सर। जी शुक्रिया। भ्रष्टाचारी सत्ताओं को उखाड़ फेंकेंगे, साफ तौर पे इसमें साफ बात है कि ये जो शासन सत्ता है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनको उखाड़े बगैर हम अपने एजेंडे को नहीं ला सकते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल, ये लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई है। तो साथियों, अब और कोई बात आप लोगों की हो तो उसे आप जरूर रखिए, अगर मुझसे कोई बात में बातचीत में कुछ बात छूट रही हो। और जी गौरव जी, एक बात रखना चाह रहे हैं अपनी। जी जी जी, रखिए, स्वागत। एक बात रखना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपका जो प्रश्न है आज एक घंटे के पूरे सेशन में कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्रित रहा कि कहीं ना कहीं क्या बेरोजगारी का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा क्यों नहीं बन पाया, या इस आज तरह के जो आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे सीए आंदोलन हो, इस तरह के बड़े आंदोलन में बेरोजगारी के खिलाफ क्या युवाओं की जो भूमिका है क्या क्यों नहीं बन पाती है, या उस तरह से उनके जो भविष्य के खतरे हैं उसको लेकर के वो इस तरह से डरते हैं, इसलिए तो मैं इसका जवाब सबसे आसान शब्दों में देना चाहूंगी, क्योंकि भारत तो संदीप सर ने बताया अभी क्या स्थिति है कि अब वो डीजल पेट्रोल पे, तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देशभक्ति की परिभाषा को इतना सस्ता कर दिया गया है, जब जिस देश में, उस देश में पेट्रोल और डीजल का महंगा होना कोई हमें नहीं लगता कोई नई बात है। तो जहां हर चीज को देशभक्ति से जोड़ दिया जाए तो फिर उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारत तो देखिए आंदोलन तो हमारे देश की आत्मा है, उसको नहीं कोई सरकार खत्म कर सकती, चाहे जितना कानून बना ले, जितने तरीके अपना ले, जितनी तानाशाही कर ले। हाँ, ये जो आपका लास्ट जो सवाल का जवाब था कि क्या युवा इस आंदोलन में अपने अधिकार के लिए कब पार्टिसिपेट करेगा व्यापक रूप से, तो सीए का जो आंदोलन हुआ, क्या मुस्लिम महिलाएं क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं या ऐसा सपना है, देखिए किस तरह के आंदोलन में, एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं निकलेंगी, शायद हमें नहीं लगता कि इस कल्पना भी इसको हम लोग कर सकते थे, लेकिन निकली और ये आंदोलन किस तरीके से चला और विश्व भर में इस आंदोलन को लोगों ने देखा, तो ये उसी तरह के किसान के लिए हम कल्पना कर सकते, किसान भी कभी एकजुट होगा, इतने बड़े देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों में बटा है किसान, तो इसी तरह से नौजवान भी आने वाले समय में, क्योंकि जब जो सवाल है, सवाल का जो दूसरा चरण होता है वो समस्या,
जब चीजें अब जो बेरोजगारी जो है एक सवाल के रूप में तो है, लेकिन अब ये धीरे धीरे अब ये समस्या बनती जा रही है, इसका आभास जो है युवा पीढ़ी को देश में हो रहा है। और ये जब समस्या बन जाएगा तो आंदोलन खड़ा होने में हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा समय लगेगा। जिस तरह से ये आंदोलन है, हम देखिएगा कि आने वाले समय में 2024 के पहले युवाओं का एक बहुत व्यापक रूप से आंदोलन खड़ा होगा। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। राजीव भाई शुक्रिया। साथियों एक एक बात के साथ कि पिछले दिनों जो देखा गया हम लोगों ने कि 370 के बाद जो है किस तरीके से लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट किया जाता था, और किसान आंदोलन में भी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट किया जाता था। पहले लोग कहते थे कि ये सब 370 या फिर जो इस तरह के सवाल होते हैं बहुत विवादित सवाल है, इसलिए लोग हाउस अरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन किसान आंदोलन में भी देखा जाए तो किसानों को भी हाउस अरेस्ट, किसान नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया, और गुंडा एक्ट और यहाँ तक यूएपीए तक ही लगाने की बात हुई। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में युवाओं को इस संकट से चीजों को लेकर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और आप ही की बात से मैं एक चीज सोच रहा था संदीप जी, कि आने वाले दौर में अगर जिस तरह से सीए आंदोलन में महिलाएं निकल के आई, अगर रोजगार के आंदोलन में अगर लड़कियां और महिलाएं कहीं निकल जाए, और इसकी गुंजाइश भारत में सबसे ज्यादा इसलिए है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा नौकरियों में देखा जाए या कंडीशन में देखा जाए तो लड़कियों महिलाओं का रोल अहम हो रहा है, और वो मजबूती से वो जब भी कोई टॉपर देखिए तो उसमें लड़कियां ही होती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली संभावनाओं में इससे इनकार नहीं कर सकता कि भारत में जो आंदोलन है नौजवानों का आंदोलन, उसमें महिलाओं की भूमिका बड़े पैमाने पर ये मैंने हो सकती है, होगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों जब नागरिकता आंदोलन में भी मैं देख रहा था, वहां पर भी जो लड़कियां थीं वो पढ़ी लिखी और तमाम समझने वाली थी। इसी तरह से मैं देखा कि पिछले दिनों सिंघू बॉर्डर पे भी गया तो वहां पर भी लड़कियां थीं जो है वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर थी। जो है अभी देखिए वहां पर नवरीत कौर नाम की एक मजदूर नेता, इनकी उम्र मुझे लगता है 21 साल या 24 साल समथिंग है। तो आने वाले संभावनाओं में देखा जाए तो एक बड़ा आंदोलन की संभावना लड़कियों और महिलाओं द्वारा लीड करने की इस देश में है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो गौरव ने वो कहा भी था, लेकिन उसको मैं फिर से दोहरा दूं ताकि वो और स्पष्ट हो जाए कि देखिए बेरोजगारी का संकट देश में क्यों है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि, उसमें आय सम्मानजनक नहीं। अगर कृषि की आय सम्मानजनक हो जाए तो बहुत सारे नौजवान जो नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं शायद वो गांव में रह के खेती करना पसंद करेंगे। अगर पंजाब जैसी संपन्नता पूरे देश में हो जाए कि गांव में भी आपको शहर की सारी सुविधाएं मिल जाए, आप पंजाब के गांव में जाए तो जैसे शहरों में आधुनिक किस्म के मकान होते हैं उस तरह के मकान हैं, तो जहां संपन्न कृषि का इलाका है वहां शहरों की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो लोगों को शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन है उसको ये भी कहना चाहिए कि कृषि की आय सम्मानजनक बनाओ, बल्कि कृषि की आय सबसे ज्यादा होनी चाहिए सभी क्षेत्रों में, और उसकी आय इतनी हो कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोग कृषि करना ही पसंद करें। हमारे बहुत से साथी हैं जो पीएचडी करके, हमारे श्री कुमार जी हैं कर्नाटक में जाके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। तो अगर हम उपभोक्तावादी संस्कृति की मानसिकता से निकल जाए और हमको ये समझ में आ जाए कि गांव का जीवन ज्यादा अच्छा है, कम प्रदूषण है, कम तनाव है, हाँ आप स्वरोजगार से अपनी जीविका चला सकते हैं, आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी की समस्या का एक समाधान निकल सकता है। इसलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन को इस मुद्दे को भी अच्छी तरह से उठाना चाहिए, ये टिप्पणी मैं बस करना चाहूंगा। शुक्रिया संदीप जी। मुझे लगता है कि हम लोग 1 घंटे तक लगभग गंभीर चर्चा किए, और आने वाले दौर में और भी हम लोग इन सवालों को लेकर बातचीत करते रहेंगे।
और अगर किसी साथी का कोई सवाल हो या फिर कुछ बात रखना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मैं बस कल की घोषणा कर दूं कि कल 7 से 8 रघु ठाकुर, जो प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक हैं, उनका साक्षात्कार लेंगे पंकज पुष्कर, जिनकी राजीव भाई से बातचीत हुई थी अभी 2-4 दिन पहले। तो पंकज भाई कल बातचीत करेंगे रघु ठाकुर से किसान आंदोलन पे। तो आपका स्वागत है, खास करके हमारे युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जरूर जुड़े उसमें, क्योंकि रघु ठाकुर बहुत पुराने समाजवादी चिंतक हैं और पंकज भाई भी बहुत गंभीर सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, तो दोनों का ताल्लुक राजनीति से है, इसलिए कल की चर्चा भी बहुत अच्छी होगी। कल भी आप उसमें जुड़े तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।